सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभापति महोदय जी, आज देश में चौथा सबसे प्रदूषण शहर का खिताब प्राप्त हो चुका है। रायगढ़ जिला वर्तमान में प्रदूषण जनित बीमारियों से तेजी से ग्रसित हो रहा है। देश में जब भी प्रदूषण की बात होती है तो केवल दिल्ली पर ही आकर चर्चा सिमट जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ का सुदूर वनांचल जिला रायगढ़ औद्योगिकरण के चलते प्रदूषण की विकराल समस्या का सामना कर रहा है। लगभग 150 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग के अलावा दर्जनों कोयला खदानों से कोयला उत्खनन और परिवहन भी यहाँ के पर्यावरण का बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। जल के स्रोत भी प्रदूषित हो चुके हैं। जिले की जीवन दयनीय केलो नदी पीने योग्य रह नहीं गया है। फ्लाईएश के अवैध भंडारण में आम जन जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। औद्योगिक विस्तार के लिए जनसुनवाई में औद्योगिक अवैध मैनेजमेंट पर्यावरण के नियम को तार तार अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। छोटे झाड़ के जंगल के नाम पर जंगलों की अवैध कटाई की गई है। जर्जर हो चुकी सड़कों में हो रहे कोल ट्रांसपोर्टेशन और उद्योग की वजह से रायगढ़ जिले में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में रियल टाइम फिल्स की रैंकिंग 363 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिले की आबोहवा में सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी इस दिशा में पर्यावरण संरक्षण विभाग कोई पहल नहीं कर पा रही है। दरअसल औद्योगिक हब कहे जाने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जिला में फाउंडेशन की अध्ययन कर रही आईआईटी खड़गपुर के एक्सपर्ट भी रिपोर्ट कहती है कि जिले के अपनी मांग रखिए जी महोदय जी। इसके लिए मैं पर्यावरण मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ।